Uh, answer for all these questions let's talk about this my name is amit surana i am your dilr expert and let's talk about is ipmat really a scam let's bust some myths today yeah so a myth buster hai. please understand that ipmat just like any other exam is an exam that a lot of people give

So last year, forty thousand people applied for it, right? Forty thousand applicants were there. Out of the forty thousand people, who have the exam, dia hai, un se, only twenty-one thousand people got a positive raw score. Means zero se zyada score. Not percentile. I am talking about the raw score being greater than zero. Only twenty-one percentage. Yes. So the other half of it, almost other half of it.

Yes, स्कैम like ना फोर्टी थाउजेंड पीपल अप्लाई फॉर एग्जाम एंड लेट मी टेल यू जस्ट लाइक आई पी मैट कैट एक एग्जाम है जो आप आफ्टर योर यूजी पीजी के लिए सिर्फ टू ईर्स एम बी ए के लिए जो एग्जाम देते उसका क्या डेटा है सो आई एम इंदौर के लिए आई सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट आई एम इंदौर लेट टॉक अबाउट आई एम इंदौर 3.28 लाख पॉइंट है 3.28 लाख, तीन लाख लाख 28,000 पीपल अप्लाइड फॉर कैट लास्ट ईयर, यस, एंड कितनी सीट्स हैं? आई एम इंदौर में अबाउट 500, हंड्रेड यस अबाउट फाइव हंड्रेड डू यू सी दिस रेशियो इज सो मच लेसर यस हाफ से भी कम है कंपेयर टू दिस दो so साल बाद तीन साल बाद कैट देने में या अभी आईपी मैट देने में यस थिंक अबाउट दैट और कॉम्पिटिशन कहा पर नहीं है कंट्री दैट इज हाईली पॉप्यूलेटेड या तो कॉम्पिटिशन रहेगा ही रहेगा बट कंपेर्ड टू अदर एग्जाम्स आई पी मैट स्टिल हैज लेस कॉम्पिटिशन ये आईपी मैट इंदौर का है इफ यू लुक एट आई पी मैट रॉतक उसमें और भी हाफ यस yes? नंबर ऑफ एप्लीकेंट वोजेंटी था यू नीड टू अंडरस्टैंड टू मेक दैट कॉल क्या ये है और इज दिसन गिविंग कैट थ्री इस डाउन द लाइन नेक्स्ट टॉक अबाउट द सेकेंड मेथ द सेकेंड मेथ इज सर कट ऑफ ये लोग जान बुझ के बहुत हाई रखते हैं सो दैट पीपल डोंट क्लियर

फिफ्टीन क्वेश्चन में से आपको सिर्फ सिक्स क्वेश्चन करेक्ट करने थे यस दिस इज द डेटा फ्रॉम द लास्ट ईयर ये कोई पुराने सर हुई तो बहुत पुराना डेटा नहीं जस्ट लास्ट ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर आईपी मैट का ये नेक्स्ट क्वांट एमसीक्यू में देर आर थर्टी क्वेश्चन यस देर आर थर्टी क्वेश्चन थर्टी क्वेश्चन में से यू ओनली नीडेड ए थर्टी फाइव मार्क्स

हंड्रेड एंड एटी यस हंड्रेड एंड एटी देट इज हाउ मेनी क्वेश्चनस्टैंड वर्बल में इट वॉज अ लिटल हाई वर्बल का कट ऑफ इज अटल हाई बट दैट है आई पी मैट कौन दे रहा है मैथ स्टूडेंट्स दे रहे हैं ओके

हंड्रेड एंड ट्वेंटी में से आपको एटलीस्ट सिक्सटी यस हाफ लुक एट कट ऑफ और ये क्या है ये जनरल का कट ऑफ है यस दिस इज नॉट इवन एनी कैटेगरी कंसिडर्ड नो एस सी एस टी एस पी डब्ल्यू डी कुछ भी नहीं जनरल का कट ऑफ है जहां पे जनरल का कट ऑफ यूजुअली सबसे हाई रहता है यस डू यू थिंक दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क पंद्रह क्वेश्चन में से आधे छे करने हैं

So, ये जो लोग बोलते हैं कि नहीं कट ऑफ जान बुझ कर वेरी हाई रखा इट इज नॉट द केस स्टॉप लिस्टिंग टू पीपल एवरीथिंग। सर मेरा टेंथ का मार्क्स ग्रेट नहीं है मेरा ट्वेल्थ का मार्क्स ग्रेट नहीं है विल आई नॉट गेट एंड एडमिशन इन दई पी एम प्रोग्राम क्या करना है सर छोड़ दू क्या शुड आई लीव द ड्रीम ऑफ बींग इन एन आई एम गो शेड लेटेट गो क्या करना है वट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन थिंक अबाउट इट थिंक अबाउट इट एकेडमिक्स जो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि हंड्रेड मार्क्स का आपका कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है ठीक है हंड्रेड परसेंटेज पे आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें से वॉट अमाउंट वॉट परसेंटेज डू यू थिंक गोस टू एकेडमिक्स फॉर आई एम इंदौर या मेजोरिटी सिक्सटी फाइव परसेंट इज योर आईपी मैट स्कोर सिक्सटी फाइव परसेंटेज ऑफ दिस हंड्रेड इज फॉर योर आईपी मैट का स्कोर यस yes. जहां पे आपका क्वांट का शॉर्ट आंसर क्वांट का एमसीक्यू वर्बल का अलग से कैलकुलेट होता है ऐड अप होके दैट कंट्रीब्यूट्स टू सिक्सटी फाइव परसेंटेज ऑफ एक्ट और बाकी पूरा थर्टी फाइव आपका पीआई पे जाता है यस yes, बाकी पूरा थर्टी फाइव आपका पीआई पे जाता है दैट मीन्स एकेडमिक स्कोर एज सच का कोई वेटेज नहीं आया हम इंदौर में नो पर्टिकुलर वेटेज सो वेदर यू आर अ नाइन पॉइंटर और यू आर अगर आप एक है, आप और अच्छा करें। yes. तो ये जो क्वेश्चन आपके दिमाग में चलते रहता है सर टेंथ का नहीं हो पाया था देर कुड भी मल्टीपल रीजन ऐसा नहीं है कि आई एम अ बैड स्टूडेंट टाइम सही नहीं था आई आई फेल सिक या Something had happened with the paper. That's just one exam, right? Is academics everything? It is not. So stop telling yourselves that. Jo apne passed. That's okay. You still have your 12th score to cover that up. Even then, even if you are uh, you know, an average student, above par student, we have, even then, you get a chance with IPM course. Yes. Next, being a math student is mandatory, sir. मैथ स्टूडेंट नहीं है तो आईपी में नहीं हो पाएगा मैंने आपको आपको कट ऑफ बताया आई शोन यू कट ऑफ इज फॉर जनरल है, होना जरूरी नहीं है। आपको क्या लगता है सारे मैथ स्टूडेंट को मैथ्स आता है यस या दे मे बी एबल टू रिलेट टू इट अ लिटिल अर्लियर यस बट जो वो गैप है वो बहुत छोटा है एंड ऑफ यूल जिन्होंने कॉमर्स लिया है या इवन इफ यून प्योर साइंस है कहीं आप भी मैथ लगा ही रहे हो येस इफ़ यू आर अ फिजिक्स स्टूडेंट यू आर यूजिंग मैथ इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट अकाउंट्स में आप मैथ उतना ही मैथ आता है यस वेन वी टॉक अबाउट मैथ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का मैथ नहीं आस क्या आता है परसेंटेज कैलकुलेशन रेशियोज एवरेज ढूंढनास टाइम एंड वर्क जहाँ पे मोस्ट क्वेश्चन आर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिनका कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार पढ़ोगे समझोगे मोर देन सफिशियंट है इसके अलावा जो आपके एल्जेब्रा आते हैं या ज्योमेट्री आता है या हायर मैथ आता है आई अग्री हायर मैथ सर नहीं होता है स्मॉल चंक ऑफ इट यू कैन स्टिल एज द टेस्ट ऑल यू डू इज गेट पार योर कट ऑफ स्कोर है ना क्या करना है उसके लिए आपको फोकस ऑन एरथमेटिक फोकस ऑन नंबर सिस्टम नंबर तो आते हैं एलसीएम सी एच सी एफ निकालना तो आता है वो तो अभी तक नहीं भूले है ना यस दैट इज ऑल यू हैव टू डू गेटिंग दैट डोंट अगेन कीप टेलिंग यूर सेल्फर नॉन मैथ स्टूडेंट को क्या करना है कैसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए डू वट यूर कंफर्टेबल विथ लर्न मैथ्स कोई यू uh, नो you know, ये टैलेंट नहीं है जो कोई पैदा होता है लेके राइट इट इज अ स्किल यू कैन वेरी वेल लर्न एंड यू हैव इनफ टाइम टू लर्न वेदर इट इज बेसिक्स ऑफ मैथन इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू एडवांस एक पैटर्न है उस पैटर्न को समझो मोर देन सफिशियंट है सो दैट इज द फोर्थ मिथ दैट वी हैव कि मैथ स्टूडेंट होना जरूरी नहीं है मैथ आना चाहिए मैथ स्टूडेंट होना जरूरी नहीं है ठीक है यस लेट्स मूव ऑन द लास्ट मिथ प्रिपेयर फॉर एटलीस्ट वन ईयर सर कम से कम एक साल की प्रिपरेशन लगती ही लगती है मैंने सुना है किसी को बोलते हुए कि एक साल तो प्रिपेयर करना ही करना पड़ेगा तो इस साल में ड्रॉप आउट ले लेता हूं मैं नहीं देता हूं टेस्ट यस इफ यू आर दैट पर्सन और अगर आपने ये कभी भी एक बार भी सोचा है प्लीज अंडरस्टैंड सो मेनी ऑफ आर स्टूडेंट्स क्लियर आईपी मैट इंदौर रोहतक जिप मैट का कट ऑफ बाई जस्ट टेकिंग अप द क्रैश कोर्स यस दैट्स दैट्स लेस देन थ्री मंथ्स का कोर्स समझ रहे हो ट हैव टू स्पेंड दर इसके साथ बोट्स का कैसे करना है हाउ कैन आई मैनेज नो यू हैव द एंटायर इयर टू प्रिपेयर फॉर बोट्स नीड लेस देन थ्री मंथस फॉर आई पी मैन प्रोवाइडेड आप उन थ्री मंथ्स में फुल अपना हंड्रेड परसेंट एंड बियॉन्ड दे यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्टुड बी एबल टू गिव द टाइम येस ऐसा नहीं है कि ड्यूरेशन पे डिपेंड नहीं करता है आपका प्रिपरेशन द इंटेंसिटी इन विच थ्रू विच यू प्रिपेयर दैट्स व्हाट मैटर्स है ना तो ये भी थॉट अपने दिमाग से हटा दो कि अभी टाइम नहीं है मेरे पास बॉस बहुत टाइम है यू हैव इनफ टाइम एंड द लास्ट मिथ फॉर हर मैट प्रिपरेशन के आई मैट का प्रिपरेशन बहुत ही एक्सपेंसिव है सर आईपी मैट एग्जाम देना छोड़ो एडमिशन लेना छोड़ो ट्यूशन फीस वगैरह छोड़ो उसका जो प्रिपरेशन के कोर्स है वो इतने एक्सपेंसिव है नॉट रियली नो यस वी हैव मास्टर क्वेश्चन टू पॉइंट जीरो जो अभी चालू हुआ नहीं है इट्स अबाउट टू स्टार्ट यस इट इज गोइंग टू स्टार्ट एट ओनली टू ट्रिपल नाइन यस थ्री थाउजेंड में

Focus on your preparation, trust on the process, trust, believe in yourself. That's all that is needed to crack an exam like IP man. So many of our students have already done it. So many students across the country are already doing it. So if you are holding yourselves back just because of one of these myths is karan don't. Don't tell yourself, don't keep telling yourselves the myths. Instead, bust them. I've helped you do it. I hope this video was helpful. All the very best for your IPMAT preparation. Cheers.